मैं तो खुश ही खुश हूँ क्योंकि मेरी बहन की शादी हो रही है, मेरे भैया की शादी हो रही है। दोनों से एक अलग पर्सनल रिलेशनशिप है। वो सगी बहन है और वो मजनू भैया है जो पहले मिले थे मुझे, जिनसे एक अलग बॉन्डिंग हुई। फिर पता चला दीदी के साथ वो प्यार करते हैं, फिर पता चला मिस्टर दालमिया के छोटे बड़े भाई हैं। तो हर तरफ से एक मेरे लिए, दोनों तरफ से मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मतलब दोस्ती रही है बचपन से और बहुत अच्छी दोस्ती हुई है। और ऐसा होता है कई बार कि दोस्ती इतनी गहरी होती है कि कब प्यार हो जाता है शायद आपको पता नहीं चलता। तो उसके साइड से शायद वो नॉर्मल ही, और मेरे लिए मुझे लग रहा है हाँ मोनू ऐसा ही है, मानव ऐसा ही है। और उसके साइड से कब वो डेवलप हो गया या क्या कैसे हुआ वो मुझे इतना फ़र्क समझ में नहीं आया। नहीं, मुझे इन दोनों के ऊपर शक नहीं है। मुझे पता है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बस ये है कि मुझे इन दोनों को साथ में देख के बुरा लगता है। और वो मेरे हर एक मैटर में बीच में कूदता है, जब मैं उसको बोलता हूँ कि भाई तुम अपने आप से मतलब रखो, तुम्हारा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो उसी टशन में हम दोनों का डांस होता है, और डांस में वो एक टशन टशन चल रहा होता है कि मैं उनको पकड़ना हूँ, वो मुझे पकड़ रहे हैं। और एक टाइम के बाद हम दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ के नीचे उतर जाते हैं, और बुआ दादी जी आ जाती है तो हम छोड़ देते हैं उनकी रिस्पेक्ट में। बट ये है कि मुझे कोई किसी पे शक नहीं है, बट मुझे इन दोनों को साथ में देख के बुरा लगता है। जान के मैं लोगों को टेंशन नहीं देना चाहता, ना ही मैं चाहता हूँ कि वो लोग खामोखा परेशान हों। मुझे एक ज़रूरी फ़ोन पर बात करनी थी। मैं बाहर निकला, मैंने देखा कोयल हाउस से धुआँ निकल रहा है, तो मुझे लगा शायद आग होगी, और मैं उस तरफ बढ़ता हूँ, और वहाँ जो कुछ होता है वो एपिसोड में दिखेगा। लहंगा है ये, और ये कलर आई थिंक बहुत सूट होता है, इसीलिए हम काफ़ी इस कलर के आउटफिट्स पहनते हैं। मतलब मुझे स्पेसिफिकली ये दिए जाते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ गुड कलर फेस्टिवल के लिए या मैरिज के लिए। एक अच्छा यंग वाइब्रेंट कलर है ये, एथनिक वेयर, और शादी वादी पे किसी भी फंक्शन में आप पहन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं शो में। फर्स्ट एपिसोड से 222nd भी हो गया टेलीकास्ट, और ऊपर निकल चुके हैं हम लोग, तो मैं खुश हूँ, और मुझे देख के आप भी खुशी होंगे। तो जब सावी मेरी जान बचाएंगी, तो नित्यम के जो उन्हें देखने का, नित्यम का जो POV है वो बदल जाएगा। तो मुझे लगता है जो जिसका आप सबको इंतज़ार है, जिसका आप वेट कर रहे हैं, वो अब आपके सामने आने वाला है। बिल्कुल भी नहीं, अभी ऐसा कोई थॉट आया नहीं है कि इसके पीछे डिम्पी जी हो सकती हैं। लेकिन दिमाग वहीं चल रहा है कि पहले तो खतरे को टालने का, बाद में ये जानना है कि कौन हो सकता है इसके पीछे। अभी यही है कि बस नज़रें इधर उधर रहती हैं, सब पे एक शक की नज़र रहती है। मीडिया भी जब आई थी जर्नलिस्ट इवेंट कवर करने, तो मैंने पूछा था IDs के लिए, तो एक शक की निगाह सब पर रहती है। अभी यही है कि खतरा एक बार टल जाए, एक बार शादी ख़त्म हो जाए, और फिर देखेंगे कि इसके पीछे कौन होगा।